हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें करंट अफेयर से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है। इस बार का भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो स्टॉकहोम में। यह सम्मेलन 17 अप्रैल को होगा। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हो रहा है, जो कि 17 अप्रैल को होगा। उसके बाद बात करते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल की। 21वें राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं, इसमें निशानेबाज अंकुर मित्तल ने कांस्य पदक जीता। निशानेबाज अंकुर मित्तल ने कांस्य पदक जीता। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल के जो पदक जीतने वाले विजेता हैं उन लोग को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसके बाद बात करते हैं, पानी एटीएम की शुरुआत की गई है। पानी एटीएम, आप सोच रहे हैं ये पानी एटीएम क्या है? दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मल एटीएम होता है तो वो कैश मनी एटीएम होता है, उसमें हम अपना कार्ड लगाते हैं, पिन डालते हैं और हमें पैसे मिलते हैं। तो ये मनी एटीएम की तरह ही वाटर एटीएम होगा। इसमें क्या होगा? इसमें भी हम लोग को कार्ड इशू किया जाएगा और उस कार्ड में हम लोग रिचार्ज करवाएंगे। और ये जो एटीएम रहेंगे, इनके बीच, दो एटीएमओ के बीच की दूरी 400 मीटर होगी। कितनी दूरी होगी? दो एटीएमओ के बीच की दूरी 400। तो हरियाणा में पानी एटीएम की शुरुआत की गई है। इसमें हम एटीएम कार्ड को रिचार्ज करवाएंगे और उस तरह जहां हम उसे स्वाइप करेंगे, हमें पानी जितना चाहे ऑप्शन वहां पे रहेगा कि जितना पानी आपको लेना है, 1 लीटर, 2 लीटर, तो और बाकी एटीएम से पानी हमें मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं कि धूप परियोजना की शुरुआत की गई है। किसकी? धूप परियोजना की। दोस्तों, हम जानते हैं कि आजकल बच्चों को विटामिन डी बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, क्योंकि हर इंसान धूप से बचना चाहता है। तो ऐसे बहुत सी बीमारियां सामने आई हैं फिलहाल में, तो उसको कम करने के लिए धूप परियोजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? फशाई द्वारा। और इसमें कहा क्या गया है कि सुबह की प्रार्थना जो होती है वो दोपहर के लगभग हो। सुबह की जो प्रार्थना होती है, मॉर्निंग प्रेयर स्कूलों में, वो दोपहर में करीब 11 से 1 बजे के बीच हो। इससे क्या होगा? इससे बच्चों को 2-4 मिनट के लिए विटामिन डी आराम से मिल जाएगा। बात करते हैं कि फसाई का फुल फॉर्म क्या है। फसाई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करते हैं कुंदन लाल सहगल। गूगल ने कुंदन लाल सहगल की 114वीं जयंती मनाई। 11 अप्रैल, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1904 को। कुंदन लाल सहगल का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1904 को और गूगल ने 114वीं जयंती मनाई। दोस्तों, ये सिंगर भी थे, एक्टर के साथ साथ ये सिंगर भी थे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर थे। लता मंगेशकर चाहती थी कि इनकी कोई ना कोई निशानी, जो केएल सहगल है, इनकी निशानी इनके पास रहे। इसके बाद बात करते हैं, फिर से आ गया राष्ट्रमंडल खेल। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल का ये 21वां संस्करण है और इसमें ओम प्रकाश मिथारवाल ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ओम प्रकाश मिथारवाल ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद बात करते हैं एशिया कप 2018। एशिया कप 2018 अब कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। एशिया कप 2018 संयुक्त अरब अमीरात में होगा। बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल में बबीता फोगाट ने रजत पदक जीता है। किसमें? कुश्ती में। ये नाम सुना सुना है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने मूवी देखी थी आमिर खान की, दंगल, उसमें यही थी बबीता फोगाट। उसके बाद बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किदंबी श्रीकांत को नंबर 1 खिलाड़ी बताया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किदंबी श्रीकांत को नंबर 1 खिलाड़ी बताया। नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है, जो कि अपने पिछले साल की रैंकिंग से 11 स्थान, 13 स्थान नीचे आया है। दोस्तों, पिछले साल भारत की रैंकिंग थी 143वां। हम भारत के विभिन्न
इंडेक्सों में भारत की रैंकिंग को हम लोग वीडियो बना चुके हैं, उसे बहुत अच्छे से ही डिस्कस किया गया है, तो ये उसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो बताया गया है वो 143वां बताया गया है, और ये रैंकिंग जैसे जैसे आती जाएगी हम इसे अपडेट करते जाएंगे। दोस्तों कुछ लोगों ने पूछा था पिछले वीडियो में कि ये जो रैंकिंग होती है ये कौन लाता है, कौन लॉन्च करता है, तो दोस्तों अमेरिका की एक संस्था है द हेरिटेज फाउंडेशन, अमेरिका की एक संस्था है द हेरिटेज फाउंडेशन, ये जो रैंकिंग होती है ये वही लॉन्च करती है। तो ऐसा नहीं है कि सारी रैंकिंग, अलग अलग रैंकिंग के लिए अलग अलग संस्था है, तो ये सब जिस रैंकिंग के लिए जो संस्था बनाती है, जो लॉन्च करती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहली रैंक किसकी है, तो पहली रैंक है हांगकांग की। किसकी है? हांगकांग की। बात करते हैं आखिरी रैंक किसकी है, तो आखिरी रैंक है उत्तर कोरिया की। नेक्स्ट बात करते हैं पहली लंबी दूरी की विद्युत बस, विश्व में पहली लंबी दूरी की विद्युत बस चलाई गई है कहाँ? 12 अप्रैल को पेरिस में। इससे 160 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय किया जा सकता है, 160 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा ट्रस्ट कोष, संयुक्त राष्ट्र, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो सड़क सुरक्षा ट्रस्ट कोष है, इसकी शुरुआत किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों हम जानते हैं कि सड़क पे बहुत सी दुर्घटनाएं होती है और लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने दुर्घटना में ग्रसित लोगों को बचाते हैं, पुलिस सबसे पहले उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन करती है, इस वजह से लोग उससे बचना चाहते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें जो कमियाँ हैं सड़क पे, जो सड़क सुरक्षा में जो कमियाँ हैं, उन सबको सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक सड़क सुरक्षा ट्रस्ट कोष की स्थापना की। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। दोस्तों 13 अप्रैल को 193 देशों ने, 193 जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, उन्होंने इसको सहमति दिया, इस प्रस्ताव को सहमति दिया। उसके बाद बात करते हैं कि स्वर्णिष्ठीन पत्रकारिता का अवार्ड इस बार किसने जीता? स्वर्णिष्ठीन पत्रकारिता का अवार्ड जीता है सिद्धार्थ वरदा राजन ने। किसने? सिद्धार्थ वरद राजन ने। किस ये कौन है? तो ये द वायर पत्रिका के संपादक हैं। किसके? द वायर पत्रिका के संपादक हैं। फिर बात करते हैं चौथा सबसे बड़ा कार बाजार कौन बन गया है? जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कार बाजार बन गया है। इसके पहले कौन था? जर्मनी थी। तो बात करते हैं सबसे पहले स्थान पर कौन था, तो पहले स्थान पर चीन, उसके बाद अमेरिका, फिर जापान, फिर भारत, और अब भारत 5वें स्थान से 4थे स्थान पर आ गया है और जर्मनी 5वें स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के सबसे कम उम्र के स्वर्ण विजेता कौन है? भारत के सबसे कम उम्र के स्वर्ण विजेता कौन है? तो 15 वर्षीय अनीस भानवाला, 15 वर्षीय अनीस भानवाला भारत के सबसे कम उम्र के स्वर्ण विजेता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जितने लोगों ने पदक जीता है उसमें कम से कम कुछ पॉइंट जो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक किसमें जीता? तो इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीता। किसमें जीता है? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। नेक्स्ट बात करते हैं कि 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? श्रीदेवी को। 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? श्रीदेवी की, उनकी मूवी मॉम के लिए, उनकी लास्ट मूवी थी मॉम। ये मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैंने तो इस मूवी को देख लिया है। उसके बाद बात करते हैं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 127वीं अंबेडकर जयंती मनाई गई है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यह जयंती मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला था और इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इसी के साथ बात करते हैं कि गगन शक्ति अभ्यास शुरू हो चुका है। कब से कब तक? 10 अप्रैल से 23 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना द्वारा गगन शक्ति अभ्यास शुरू किया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे दो देशों के बीच जो अभ्यास होता है, तो आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यहीं से होते हैं, या कोई नई अपॉइंटमेंट होती है, या पदक विजेता
आगामी खेलों का जो है ये सारे वीडियो हम लोग बना चुके हैं। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और इस वीडियो को देख लें। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।